हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स की बुक जो है वो चेंज हो गई है क्लास 9 की, तो आज से हम जो है वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। ठीक है बेटा, तो फिजिक्स के लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और आज की क्लास हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, तो हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप देख सकते हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, आपके पास जो सिलेबस लिखा हुआ है आपके सामने, आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये 9 चैप्टर पूरे साल में हमने पढ़ने हैं, और ये जो न्यू बुक है वो सेशन 2021 एंड 2022 के लिए, मतलब 2021 से 2022 तक का जो सेशन है, ठीक है, उस सेशन के लिए ये बुक है। और इसके लेक्चर जो है वो आज से हम स्टार्ट करेंगे, और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, और अब देख सकते हैं कि जो सिलेबस हमने पूरे साल में पढ़ना है इस साल में, वो 9 चैप्टर्स हैं इस बुक में, और 9 चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं आपके सामने लिखे हुए। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर लेंगे। काइनेमेटिक्स के बारे में बात करना चाहे, फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट में हम थोड़ा सा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है, उनको मेजर कैसे करते हैं, कितनी तरह की क्वांटिटीज होती हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करना है। ठीक है, मोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें जो है वो हमने, मोमेंटम, ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर डिस्कस करनी है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के अंदर भी आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉर्क, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। फोर्सेस एंड मैटर जो है इस चैप्टर के अंदर हमने फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। इसी तरह ग्रेविटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, मास ऑफ अर्थ को, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, ये सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे तो इसके अंदर हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर प्योर हम सिर्फ वर्क, पावर और एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी की टाइप्स, ठीक है, वर्क की टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो डिस्कस करनी है। और एंड में चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें बच्चों, तो लिखा हुआ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ हीट को डिस्कस करना है, हीट के बारे में, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, और बस ये सिलेबस, अब चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। और फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट बेटा, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर को है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, अब जरा सुनिएगा कि बेटा आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम एज अ सब्जेक्ट फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग क्लास 8 में फिजिक्स पढ़ के आते हैं, ठीक है, साइंस आप लोग पढ़ के आते हैं क्लास 6, 7, 8 से, ठीक है, साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप लोग, कुछ बच्चों का कहना ये होता है 9 में आने के बाद हमने फिजिक्स अब तक पढ़ी नहीं है, फिजिक्स होती क्या है, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग जब 6, 7, 8 में साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि साइंस के ही जो है वो पार्ट्स जो है वो साइंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है क्लास 9 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर के हैं, बहुत सारे बच्चे बायो के होंगे, लेकिन फिजिक्स जो है वो दोनों को फिर भी पढ़नी पड़ती है। तो फिजिक्स जो है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आइडिया तो उससे कोई कंसर्न, मतलब उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से जो है वो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को उसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, और जो है वो आप लोग जो है बिल्कुल आप लोगों की जब फिजिक्स आप लोग स्टार्ट करो, बेस आप लोगों की बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, और आगे आप लोगों को फिजिक्स पढ़ने में मजा है, काफी इंटरेस्टिंग जो है वो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ने, थोड़ा सा टाइम देंगे, इंशाल्लाह खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप लोगों को इंशाल्लाह आगे जाके मजा आएगा पढ़ने में। तो अगर हम बात करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की, तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एक्चुअली क्या है, फिजिक्स का थोड़ा सा आप लोगों की फाउंडेशन, फिजिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को जो है मैं बताऊंगा, ताकि उस थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए फिजिक्स है क्या, इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो डेली लाइफ में सुनते हैं कि भाई ये अगर कोई पेपर है, ठीक है, कोई बोर्ड है, इस बोर्ड की थिकनेस क्या है, इस बोर्ड की लेंथ क्या है। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ अगर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर ग्लास में, तो इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, और ये सारी मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आप लोग इंशाल्लाह
एबल होंगे कि वो आप लोग जो है वो उसका आंसर जो है वो फाइंड कर सकें और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएं आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर। ऑलराइट, तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की। तो बेटा अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो वैसे तो कहा जाता है कि फिजिक्स इज अ मदर ऑफ ऑल साइंस, ठीक है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस बेसिकली क्या है बेटा, एक नॉलेज है, ठीक है। तो जो भी हमें नॉलेज मिलती है लोगों से, ठीक है, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं खुद लोगों के एक्सपेरिमेंट से, लोगों से, ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट से, उनकी ऑब्जर्वेशन से जो हमें नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज बेसिकली क्या है, साइंस है, ठीक है। लेकिन साइंस का वो पार्ट जहाँ पे हम जो है इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, और उसको हम जस्टिफाई करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो ये जो पार्ट है जहाँ पे साइंस के अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, साइंस का वो पार्ट जहाँ पे मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई कर रहे हैं, तो वो पार्ट क्या कहलाता है बेटा, बेसिकली फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स क्या है, वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम कुछ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और कुछ नॉलेज और कुछ इन्फॉर्मेशन हम मैथमेटिकली कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको कंक्लूड करते हैं, ठीक है, थ्रू विद द एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट हम उनको कंक्लूड करते हैं, ठीक है, जस्टिफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, अपने जो है इन्फॉर्मेशन को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, तो वो साइंस का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, वो साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअली फिजिक्स की डेफिनेशन की। तो चलते हैं पहले फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ और फिर फर्दर हम अपने लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की डेफिनेशन की। तो यहाँ पे आप लोग ने इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहले आप लोग ने हैंड डाल देनी है, ठीक है, अपने नोट्स साथ साथ आप लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, रजिस्टर एक आपने अलग से लेना है और चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की हैंड डाल देंगे, और उसके बाद उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर आपकी हेड डालेंगे रजिस्टर में इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और मैं फिजिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो दो तरीके से मैं फिजिक्स को आपके सामने डिफाइन करूंगा, आप लोग ने जो है वो अच्छे से समझना है और साथ साथ ये सारी चीज़ें कॉपी करते रहना है, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिस ऐसे रखनी है कि सिर्फ लेक्चर सुनना नहीं है, अपने साथ साथ एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ और जो डिक्टेट करवाऊँगा, वो सब आपने लिखते रहना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी होती रहे और साथ साथ नोट्स भी बनते रहें, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे बात करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन की। तो हैंड डाल दिएगा फिजिक्स की, और इसके अंदर हम फिजिक्स की यहां पे डेफिनेशन बेसिकली लिखेंगे। तो फिजिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है फिजिक्स इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो यहां तक आके ये आपने फिजिक्स की डेफिनेशन लिख ली कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को, मतलब नेचर की इंफॉर्मेशन को, ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसको फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू जस्टिफाई करते हैं, कंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो है फिजिक्स की ब्रांच, ये साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, सॉरी बेटा, ये साइंस की ब्रांच कहलाती है फिजिक्स, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसके अंदर आपको फिजिक्स हो गया होगा कि हम करते क्या हैं, कि बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम नेचर को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको जो है मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं, ये साइंस की ब्रांच कहलाती है बेटा फिजिक्स। अब हम चलते हैं इसको एक और तरीके से, मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स को जो है वो डिफाइन करवाता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा और करके फिजिक्स की एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, from ancient Greek word physikos, means knowledge.
नॉलेज ऑफ नेचर. ठीक है, तो आपने देखा कि फिजिक्स जो है वो ड्राइव किया गया है एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से. ठीक है, एक ओल्ड ग्रीक लेटर से, एक ओल्ड ग्रीक वर्ड से, फिजिकोस जो है एक ओल्ड ग्रीक वर्ड है, फिजिकोस, जिससे जो है फिजिक्स ड्राइव हुआ है. और इसका मतलब है बेटा नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब नेचर की नॉलेज को हम जो है वो फिजिक्स के अंदर बेटे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. और क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, और हम इसके अंदर इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट properties and interaction between matter and energy. तो आप ये देख सकते हैं कि एक और डेफिनेशन यहां पे मैंने प्रॉपर फिजिक्स की लिख दी है कि भाई फिजिक्स जो है, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो क्या है कि इस न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने यहां पे क्या देखा कि भाई फिजिक्स जो है वो एक एंशियंट ग्रीक वर्ड फिजिकोस से जो है वो ड्राइव हुआ है वर्ड, और इसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर. और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक फिजिकल साइंस की ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. और इनके अंदर हम प्रॉपर्टीज और इंट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं किसकी बेटा, मैटर और एनर्जी की. अच्छा, अब यहाँ पे जरा पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए. ठीक है बेटा, अब जरा देखिए ये जो आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, कि भाई इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. तो इसको अगर हम डेफिनेशन को सही से समझें तो अब जरा देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की कि भाई ये फिजिकल साइंस क्या है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है. तो साइंस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि साइंस क्या है, कि साइंस बेसिकली क्या है, नॉलेज है. ठीक है, जो हमें लोगों से मिलती है, ठीक है, लोगों की ऑब्जर्वेशन से, लोगों के एक्सपेरिमेंट से जो हमें नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, साइंस कहलाती है. ठीक है, तो नॉलेज अचीव बाय ह्यूमन बींग बाय प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज साइंस. तो साइंस की बेसिकली दो ब्रांचेज है, सही है, साइंस की दो बेसिकली ब्रांचेज हैं. ठीक है, एक साइंस की ब्रांच है फिजिकल साइंस और दूसरी साइंस की ब्रांच है बेटा बायोलॉजिकल साइंस. ठीक है, अब फिजिकल साइंस क्या है कि फिजिकल साइंस वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम बेटे नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. और बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. तो इसका मतलब आपने यहाँ पे ये देखा कि ये हम डेफिनेशन जो सीखने जा रहे थे फिजिक्स की, ठीक है, ये फिजिक्स की जो सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है सीखने जा रहे, तो इसमें हमने पहला सेंटेंस पढ़ा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. तो फिजिकल साइंस के लिए हमने ये देखा कि फिजिकल साइंस क्या होती है. तो फिजिकल साइंस एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, तो उससे अभी मतलब फिजिकल साइंस पढ़ने के लिए हमने बायोलॉजिकल साइंस भी यहाँ पे पढ़ ली. ठीक है, तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख ली कि साइंस की दो ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. ठीक है, ये एडिशनल पार्ट है यहाँ पे.
एक्चुअली हमें फिजिकल साइंस सीखनी है। फिजिकल साइंस वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को, बेजान चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहला सेंटेंस दोबारा से पढ़ें कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, तो ये जो सेंटेंस है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस हमें ये बता रहा है कि फिजिक्स वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। मतलब फिजिक्स जो है वो लिविंग थिंग्स पर अप्लाई नहीं होती, फिजिक्स के अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी नहीं करते। अब जो है वो आगे जाके देखेंगे, अभी हम इसकी कुछ ब्रांचेस भी डिस्कस करेंगे। तो अब आगे जाके देखेंगे कि भाई फिजिक्स जो है वो सिर्फ मशीन्स जो हैं उसका, फिजिक्स के अंदर हम मशीन्स को, ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी कर रहे होते हैं, जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को बेसिकली फिजिक्स के अंदर जो है हम बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं। तो पहला सेंटेंस आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज एंड इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इन विच वी स्टडी अबाउट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, खसूसियत। इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रैक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रैक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, तो टीचर और आपकी इन्वॉल्वमेंट है, इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उससे वर्क हो रहा है, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं और उसको हम फिजिक्स में क्या करते हैं बेटा, हम स्टडी करते हैं। तो इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो किसकी, बिटवीन मैटर एनर्जी, तो मतलब मैटर और एनर्जी इनकी प्रॉपर्टीज, मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज, मैटर और एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट, मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन को हम बेसिकली फिजिक्स के अंदर बेटा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैटर क्या है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं बेटा मैटर की, तो अगर आप लोग चाहें तो एक लाइन में मैटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जो चीज़, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, वो है मैटर, ठीक है। और एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की एबिलिटी क्या कहलाती है बेटा, एनर्जी कहलाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैटर की बात करते हैं, जो ये मार्कर्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये क्या है, मैटर है, ठीक है। बोर्ड क्या है, ये मैटर है। फैन क्या है बेटा, मैटर है। आप लोग जिन चेयर्स पे बैठते हो, चेयर क्या है, मतलब एनीथिंग, वो चीज़ें जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें, वो क्या कहलाती है बेटा, मैटर कहलाती है। और एनर्जी की बात करें, एनर्जी किसी भी काम को करने की एबिलिटी। सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जैसे ही आते हैं और अम्मी बोल देती है बेटा जल्दी से जो है वो भाग के एक धनिया या एक पाव दही ले आओ, ठीक है, वो खाना बनाने और या फिर सैलेड या रायता बनाने। तो क्या बोलते हैं, अम्मा बहुत थका हुआ हूँ, हिम्मत नहीं है। मतलब क्या नहीं है बेटा, एनर्जी नहीं है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि भाई हिम्मत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लेके अभी इतनी गर्मी से आ रहे हैं, आप काम बोल रही हैं, मतलब इस तरह से बहाने कर रहे होते हैं हम। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि क्या नहीं है हमारे अंदर, एनर्जी नहीं है, सही है। अम्मी मंगवा क्या रही हैं बेटा, मैटर, दही मंगवा रही हैं, धनिया मंगवा रही हैं, ठीक है। तो क्या मंगवा रही हैं, मैटर। तो एनर्जी नहीं है, मैटर लेके आना है। अगर एनर्जी हुए है और आप मैटर लेके आ जाते हैं तो इसका मतलब एनर्जी और मैटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्क हो गया। और उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं बेटा, फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मेरे अंदर एनर्जी है पढ़ाने के लिए, मेरे हाथ में है मार्कर और मैं दोनों, मतलब ये मार्कर क्या, मैटर और एनर्जी, दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है बेटा, वर्क हो रहा है। और उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं बेटा, हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट, मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन, विदाउट मैटर विदाउट एनर्जी वर्क पॉसिबल ही नहीं है। मैटर एनर्जी जब इन्वॉल्व होते हैं, मैटर एनर्जी मिलते हैं तो वर्क होता है, ठीक है। मैटर है, एनर्जी नहीं है, मतलब मेरे पास मार्केट्स हैं लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ा सकूँगा, मतलब मैटर है लेकिन हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा सकूँगा, वर्क नहीं होगा, ठीक है। मेरे अंदर खूब सारी एनर्जी है और मेरे पास मार्केट्स नहीं है, बोर्ड पर लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकूँगा क्योंकि एनर्जी है, मैटर नहीं है। तो बेटा मैटर और एनर्जी दोनों होंगे, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो है वो क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। अम्मी मंगवा रही थी या दही, क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है। दही तो है शॉप पे, मैटर तो मिल सकता है, लेकिन अगर एनर्जी होगी तो मैटर आएगा, तो वर्क होगा। तो एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई भी एक चीज़ ना हो तो वर्क नहीं होगा। जब दोनों होंगी, दोनों मिलती हैं, दोनों की इंट्रैक्शन होती है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वर्क होता है। उसको हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे आप देख सकते हैं आगे जाके चैप्टर भी है मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़, एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम जो है बेसिकली फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर यहाँ पे आके हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो अब ये एक डेफिनेशन मैंने फिजिक्स की आपको ये लिखवा दी, एक डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है।
अब इसमें से आप कोई भी डेफिनेशन चाहें, ये डेफिनेशन चाहें लिख लें, ये डेफिनेशन चाहें लिख लें, दोनों जो हैं वो फिजिक्स के जो है वो अकॉर्डिंग है, मतलब अब दोनों बेहतरीन, अब दोनों में से कोई भी डेफिनेशन, वो थोड़ी सी आप ये कह लें कि न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, विद द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जस्टिफाई करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ये न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें ये लिख लें, चाहें तो ये डेफिनेशन लिख लें, आप लोगों की मर्जी है। और उसके साथ दोनों डेफिनेशन के साथ अगर आप फर्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो क्या है, कि एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिस कौन सा है वो वर्ड फिजिकोस, जिससे फिजिक्स को जो है हमने क्या किया, ड्राइव किया है, ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है बेटा, नॉलेज ऑफ नेचर। तो जब भी आप कोई भी डेफिनेशन, ठीक है, अभी तो आपने सारा कॉपी करना है, लेकिन जब आप पेपर में टेस्ट में जब भी फिजिक्स की डेफिनेशन लिखें तो ये डेफिनेशन लिखें आप, या ये वाली डेफिनेशन लिखें, और उसके ऊपर दोनों के ऊपर आप एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो ड्राइव फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड, ठीक है, फिजिकोस, विच मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है। तो आप जो है वो दोनों डेफिनेशन के साथ ये लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिजिक्स है क्या, जिसके अंदर मैटर एनर्जी को डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि और अगर थोड़ी सी डिटेल की बात कर जाए, मतलब थोड़ी सी डिटेल में अगर मैं जाऊं फिजिक्स के अंदर, हम क्या करते हैं बेटा, गैलेक्सीज को, ठीक है, स्टडी कर रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर जो है वो, हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई एक पीस ऑफ वुड है वो वाटर के अंदर जो है, अगर उसको वाटर में ड्रॉप करें तो वो नहीं डूबता, ठीक है, इसी तरह पीस ऑफ आयरन जो है वो सिंक कर जाता है, ठीक है, वो पानी में चला जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसी तरह जो है हम और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर थ्रो करते हैं तो वो मूव करते हुए ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती, वो नीचे क्यों आती है, कोई भी चीज़ हमारे यहाँ से ड्रॉप होती है तो वो नीचे क्यों चली जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फिजिक्स के अंदर बेसिकली डिस्कस करनी है। अब इन सबको मतलब फिजिक्स के अंदर डिस्कस करना है तो इसके लिए हमने मतलब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस बना दी हैं और इनकी कैटेगरीज बना दी हैं कि ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर आती हैं, तो उन सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो मतलब उसकी कैटेगरीज बना दी, उनकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी और डिफरेंट ब्रांचेस को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब फिजिक्स में मतलब फिजिक्स में अगर ब्रांचेस की बात करें, फिजिक्स में तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ मेन ब्रांचेस आपके कोर्स में जिसके अंदर आपको जो ब्रांचेस पढ़ के आइडिया और मजीद हो जाएगा कि हमने एक्चुअली जो है पूरी लाइफ में जब भी जहां भी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड यूनिवर्सिटी लाइफ में जब भी फिजिक्स पढ़नी है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का, जिसके अंदर हमने 12 ब्रांचेस जो है बेसिकली पढ़नी है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो है वो और मजीद फिजिक्स में जो है डिटेल में क्या क्या चीज़ें हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, हैंड डाल दीजिएगा ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की। अच्छा बेटा, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करें तो फर्स्ट ब्रांच आपके पास है, आप देख सकते हैं मैकेनिक्स, 12 ब्रांचेस हैं, एक एक करके हमने डिस्कस करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली जाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना है कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हैं, और फिर हम उसको डिटेल में जैसे चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं ये तो हमने पूरी लाइफ में इनको डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ना है, तो बस अभी सिर्फ इनका थोड़ा सा आपको जो है वो ओवरव्यू देना है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं अगर मैकेनिक्स की, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसको हम क्या कहते हैं मैकेनिक्स, इसके अंदर हम बेटा मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और बॉडी, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स या विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो मतलब अगर कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम कहाँ डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर।
और मैकेनिक्स की सब जो है वो ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स की सब टू ब्रांचेज हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड हैं। जैसे चैप्टर नंबर टू की बात करें तो चैप्टर नंबर टू काइनेमेटिक्स और चैप्टर नंबर थ्री डायनामिक्स। तो मैकेनिक्स को डिटेल में चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर थ्री में डिस्कस किया गया है। तो मैकेनिक्स के बाद अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपकी ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। अच्छा बेटा, अब थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिक्स देख लीजिएगा, थर्म मींस हीट, ठीक है, और डायनामिक्स मींस मोशन, ठीक है बेटा। थर्म मींस हीट और डायनामिक्स मींस मोशन। तो इसका मतलब यह हुआ थर्मोडायनामिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, जो कि किसकी वजह से हो रहा है बेटा, हीट की वजह से। हीट की वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या हीट की वजह से अगर मूवमेंट आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो हीट की वजह से, थर्म की वजह से, हीट की वजह से जो मोशन हो रहा है उसको हम बेसिकली यहाँ पे, हीट की वजह से जो वर्क हो रहा होता है उसको हम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है हीट का, उसके अंदर जाके आपको जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इस चैप्टर में, मतलब क्लास 9 में भी, जो लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर भी इसको जो है वो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया जाएगा, और थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिकल वर्क और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को सेकंड ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको, उसके अंदर आपको जो है वो इसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिक्स क्या है कि भाई वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है बेटा। तो अब थर्मोडायनामिक्स के बाद हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी आपने नॉर्मली सुनते आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, कि जिसको हम क्या कहते हैं, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि भाई देखें, इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट को स्टडी करते हैं। ये वो फिजिक्स की ब्रांचेज जिसके अंदर हम करंट को स्टडी करते हैं, करंट का फ्लो, करंट की प्रोडक्शन, करंट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो करंट क्या है, ये भी इसी चैप्टर के अंदर, मतलब इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन वेरियस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करते हैं। अब करंट क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, करंट, ठीक है। और इसकी ज्यादा डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर, मतलब क्लास मैट्रिक में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद अब आगे आते हैं, नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच है आपके पास मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। आप ये कह सकते हैं मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये तीन मटेरियल्स जो होते हैं जिनको हाईली अट्रैक्ट, जो मतलब आप ये कह लें कि मटेरियल कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट क्या है कि जो आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, तीन मटेरियल को हाईली अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और ये अट्रैक्शन, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है बेटा, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म मींस प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है, जिसको हम इंशाल्लाह क्लास मैट्रिक में डिटेल में ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो बेटा इसके अंदर हम एटम के स्ट्रक्चर को, ठीक है, एटम की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जहां हम एटम के स्ट्रक्चर को, एटम की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, डिस्कस कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक फिजिक्स, सही है। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच पे,
विच इज ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स के अंदर हम करते क्या हैं बेसिकली, ऑप्टिक्स के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको जिस ब्रांच के अंदर फिजिक्स की डिस्कस कर रहे होते हैं वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है बेटा, ऑप्टिक्स कहलाती है. ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम यहाँ पे बेसिकली ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच है बेसिकली साउंड. तो साउंड की बात करें तो साउंड क्या है कि भाई एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, जो हमारे ऑडिटरी सिस्टम, हमारे जो एयर्स हैं, जो हमारे कान हैं, ठीक है, जिसको हम ऑडिटरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे ऑडिटरी सिस्टम है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, हम जब सुन रहे होते हैं बेसिकली क्या, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमारे जो कान है, हमारे जो एयर्स है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, ठीक है, और ये कैसे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साउंड की कंडीशंस क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या है, ऑडिबल साउंड क्या होता है, ठीक है, कौन सा साउंड हम सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम साउंड जो है वो फिजिक्स की ये ब्रांच जो कि क्या कहलाती है बेटा, साउंड, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम साउंड के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम बेटा न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के, इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली जहाँ स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है. ठीक है, वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स. इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स. तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये और मजीद मतलब बहुत सारे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन जो है आपके पास, आप ये कह सकते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, 17 पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो उनको हम जहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल वो क्या कहलाती है, वो फिजिक्स कहलाती है बेटा पार्टिकल्स, वो फिजिक्स कहलाती है बेटा पार्टिकल फिजिक्स. ठीक है, तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है, कुछ आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे भी आपके पास एटम जिनके अंदर से क्या हो रही होती हैं बेटा, रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं. ठीक है, कुछ पार्टिकल रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, तो उनकी आपस मतलब वो एनर्जी जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम बेसिकली पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करेंगे. इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, कहानियाँ लंबी हो जाएंगी. तो हमने बेसिकली ब्रांचेस का ओवरव्यू बस थोड़ा सा हल्का सा लेना है. ठीक है, इनको ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली पढ़ना नहीं है, क्योंकि यही पूरी फिजिक्स के अंदर यही सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको पढ़ाई जाएंगी. ठीक है बेटा, तो अब आगे चलते हैं पार्टिकल फिजिक्स के बाद नेक्स्ट फिजिक्स की ब्रांच है वो आपके पास है एस्ट्रोफिजिक्स. तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज. ठीक है, सन, मून, स्टार, प्लैनेट, यूनिवर्सल सिस्टम को, ठीक है, जहां हम स्टडी करते हैं बेटा, वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है, एस्ट्रोफिजिक्स. ठीक है बेटा, तो जितनी गैलेक्सी, सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स को जो हम स्टडी करते हैं वो है आपके पास, वो फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है एस्ट्रोफिजिक्स. ठीक है, इसी तरह एक और फिजिक्स की ब्रांच है वो आपके पास है प्लाज्मा फिजिक्स. ठीक है, तो प्लाज्मा फिजिक्स की बात करें तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है बेटा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि आप ये कह सकते हैं सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, इसके बारे में जो है हम ज़्यादा जो डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जहां हम प्लाज्मा को स्टडी कर रहे होते हैं वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहलाती है बेटा, प्लाज्मा फिजिक्स, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं हाईली आयनाइज न्यूक्लियाई जो है ऑफ
ऑफ एन एटम जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, जिस तरह से हम बात और ये प्लाज्मा को और डिटेल में अगर हम जाएं तो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो यूनिवर्स है वो तकरीबन 99% जो या 90% to 99% जो उसका पूरा वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या है, वो फिल्ड विद प्लाज्मा, वो एक्चुअली क्या है, वो प्लाज्मा है। ठीक है, और जो हमारे जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो प्लाज्मा पे बेस कर रहे होते हैं। बेसिकली स्टार्स जो होते हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट, मतलब अगर आप यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में जो भी स्टार्स हैं, ठीक है, वो स्टार्स जो है वो प्लाज्मा पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो प्लाज्मा की फॉर्म में जो है वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो उनको प्लाज्मा को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को। ठीक है, इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि भाई जो लाइट है, ठीक है, ये भी जो है प्लाज्मा की फॉर्म में जो है वो प्लाज्मा एक वो स्टेट है जिसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक न्यूट्रल बॉडी होती है, जितने आपके भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजीली इसके अंदर से करंट पास हो सकता है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर से कुछ गैस के अंदर से करंट पास हो सकता है, कुछ गैस के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन प्लाज्मा वो स्टेट है जिसके अंदर से ईजिली करंट जो है वो, ये गुड कंडक्टर है, इसके अंदर से ईजिली करंट पास हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हम और ज़्यादा डिटेल में प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ जियोफिजिक्स। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करते हैं बेटा जियोफिजिक्स की, तो जियोफिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम अर्थ की सरफेस के अंदर जितने भी आपके पास मिनरल्स हैं, जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हम जहां डिस्कस करते हैं वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाती है बेटा, जियोफिजिक्स कहलाती है। ठीक है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सरफेस के, अर्थ की सरफेस के अंदर जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वॉल्केनोज हैं, ठीक है, उनकी रिसर्च, उनकी उनके बारे में स्टडी, ठीक है, तो जितने भी आपके पास सरफेस के अंदर जो आपके पास आप भी कह सकते हैं मादनियाँ, जो मिनरल्स हैं उनकी रिसर्च, उनकी स्टडी, ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम बेसिकली कहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा, जियोफिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम वो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जो कि आपके कोर्स में हैं। इसके अलावा सिर्फ यही, ये तो मेन ब्रांचेज हैं कुछ जो आप लोग ने पढ़नी है, इसके अलावा और भी मजीद ब्रांचेज हैं, जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ता जाएगा, आप लोग को बता आप लोग को पढ़ाते जाएंगे, तो ये सारी वो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं जिससे आप जो आप फिजिक्स के अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट फिजिक्स इज, इसके अंदर हमने करना क्या है। ठीक है, फिजिक्स मैटर और एनर्जी पे डिस्कस कर रही, मतलब मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन और इन्वॉल्वमेंट पे बेस कर रही होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है मोशन को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमने जो है वो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करनी है, जिसके अंदर हमने साउंड को स्टडी करना है, जिसके अंदर हमने जो है वो मिनरल्स को स्टडी करना है, जिसके अंदर हमने जो है ऑप्टिक्स को, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, एटॉमिक फिजिक्स को, एटम को, न्यूक्लियस को, ये सारी चीजें जो है वो हम सारी इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, हमने ये सारी चीजें पूरी फिजिक्स के अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का विजन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अब आप लोगों का काफी विजन क्लियर हो चुका होगा कि अब हमने जो है एक्चुअली फिजिक्स के अंदर डिस्कस और स्टडी क्या करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का टॉपिक हमने डिस्कस किया, इसी तरह फिजिक्स की ब्रांचेस जो है वो हमने डिस्कस की, और उसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक मैं 5 मिनट लूंगा वो आपका मजीद, और उसके बाद फिर ये क्लास को हम करेंगे, एंड एक टॉपिक है छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ, और आप ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफली थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूँगा, और इन सब के हैंडआउट आपको जो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम तो आप लोग कॉपी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि आपने जो है अपने रजिस्टर एक बनाना है, सारा काम साथ साथ करते रहना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन, थोड़ा सा ये साइंस की ब्रांचेस की जो है कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ये मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, और उसके बाद ये फिजिक्स की जो 12 ब्रांचेज हैं जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, आपको हैंडआउट की फॉर्म में जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक करें तो आपको तमाम ब्रांचेज की डेफिनेशन उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ से तमाम ब्रांचेज की डेफिनेशन कॉपी कर लें,
और उसके बाद जो है उसमें आप उस डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। वो पॉइंट्स आपने जो है वो नोट कर लेना और एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ या इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। तो आपने जो है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो 3 या 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, तो आपने वो पॉइंट्स बेसिकली याद करने हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट्स भी आपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं, फिर आगे फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक्चुअली है क्या? देखिए बेटा, फिजिक्स की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में क्या है, जरा आप देख सकते हैं कि पहले जो है पुराने वक्तों में जो है वो क्या होता था कि अगर हमने कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो पुराने वक्तों में ये टेलीफोन, सेल फोन ये सब नहीं था। पहले जो है वो क्या जाती थी, चिट्ठियाँ जाती थी, क्या मतलब लेटर्स जो है वो जाते थे। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, फिर ईमेल का सिस्टम आया, फिर ईमेल के बाद अब जो है कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट आपके पास क्या है, पहले आए टेलीफोन, फिर अब क्या है, ठीक है, थ्रू वायर जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है। फिर अब आपके पास सेलफोन्स आ गए जिसके अंदर जो है वो वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे बैठ के मतलब आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के जो है वो आप लंदन और आप जो है वो जर्मनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अब वायरलेस कनेक्शन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंस आपको, जैसे मैंने अभी आपको बता दी कि सेलफोन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आप ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से बैठ के जो है बाहर बात कर रहे हैं थ्रू, मतलब आप ये कह सकते हैं एक छोटी सी डिवाइस के थ्रू, ठीक है। इसी तरह हम सैटेलाइट के थ्रू टेलीविजन जो है वो देख रहे होते हैं, मैच आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अभी पिंडी में जो है वो नेशनल T20 कप हो रहा है और घर पर बैठ के आप इजीली आप अपने टीवी स्क्रीन पे जो है वो मैच देख रहे हैं। अब वो टीवी स्क्रीन पे मैच जो है वो कैसे आप जो है वो देख रहे हैं लाइव, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स की इन आवर डेली लाइफ अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वो सैटेलाइट जो है वो उसको क्या कर रहा है, उस मैच को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, और क्या वो सैटेलाइट के थ्रू जो है वो आप अपने टेलीविजन पे वो मैच जो है वो लाइव टेलीकास्ट जो है वो मैच की देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है आपने डिफरेंट और आप देख सकते हैं डेली लाइफ में जो हम आजकल जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2021 है, टेक्नोलॉजी का दौर है और हम सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बेस करते हुए सारी चीज़ें जो है अपने वर्क जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सब किसकी जो है वो इंपॉर्टेंस है बेटा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, एक्चुअली फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्चुअली ये फिजिक्स का ही पार्ट है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में ये आसानियां हैं हमारी। और तो अब ये पेपर में सवाल किस तरह से आते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस आपके पास आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो मतलब इससे पेपर में एक सवाल छोटा सा बन सकता है कि राइट डाउन द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपने जो है वो कुछ उसके 3 इंपॉर्टेंस डेली लाइफ की लिख देनी है, सेलफोन की लिख देनी है, ठीक है, एक आप जो है टेलीविजन पे जो है लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेडियो की एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपको जो है वो पॉइंट्स हैंड आउट में मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपने वो देख लेना है। इसी तरह जो हम बात कर सकते हैं कि भाई अब पहले जो है पुराने वक्तों में हम ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो पुराने वक्तों में इंजन नहीं होता था, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास मोटर कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, ठीक है, ये एक डेली लाइफ की जो है आपके पास एक मजीद इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है ट्रैवलिंग हमारे लिए आसान हो गई, ठीक है, टाइम बच गया इसमें। तो डेली लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके पास जो है वो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके भी सॉरी आपको जो है वो कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें आपको जो है फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा हमारी मुलाकात होती है और उसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और जाते जाते बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आपने ज़रूर जो है वो इसको लाइक करनी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, लेक्चर को ज़रूर लाइक करना है, और अपने तमाम फ्रेंड्स में, ठीक है, स्कूल कोचिंग के फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो मिलेंगे, जैसे आपको फिजिक्स का लेक्चर मिल गया इसी तरह
मैथ्स का भी लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर लेक्चर मैथ्स और फिजिक्स के आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि आपको जो है नया लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, बगैर बेल आइकन प्रेस किए आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर आप लोग जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, सर जो है वो आपने वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया, अलग लेक्चर अपलोड नहीं किया, ठीक है। और बेटा अगर कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड कंसर्न देन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है बेटा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।